Hello, Philosophers, me with the new vlog, and today I'm going to. Sorry, I'm so sorry, I was trying to be a news reporter, but I think I can't. So, normal पे आ जाते हैं. Good morning, Philosophers, it's me with the new vlog. और मेरी good morning हो गई है आपके साथ, बल्कि मे बी आपके बाद भी हुई हो, कहीं जल्दी उठ गए हो. सो अभी तक तो कोई भी घर नहीं है, अकेला हूँ घर इस टाइम. तो अब आप कोई आएगा तो फिर मुझे नाश्ता मिलेगा. और ये गजनफर पानी के छींटे मार रहा है ठंडे पानी से अपनी आंखों में, क्योंकि इन्होंने के शरारतें करते वक्त कल एक दूसरे की आंख में मार दिया हादी और गजनफर ने, और उसकी आंख अब स्वेल हुई हुई है. और जो कि आज मैंने इसको पकड़ा तो मैंने इसे कहा कि तुम्हारी आंख स्वेल हुई, वरना किसी को उसने बताया ही नहीं था. और सारा इल्जाम हादी पे लगाया जा रहा है. और हादी हादी बेचारे का मूड खराब हुआ हुआ है बहुत ज्यादा. हादी बेचारे का मूड खराब हुआ हुआ है पर को किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे साथ. और खुद ही कहता कि मैं जूती पहन के आता हूँ बिन बुलाए मेहमान. मैं और गजनफर कहाँ जा रहे हैं? पोटैटो लेने जा रहे हैं बाजार से. सो मैं और गजनफर आलू लेके आ चुके हैं, और मैं उधर बाहर गया था, वीडियो बनाई मैंने. मैंने कहा मैं व्लॉग में इसको डालूंगा, वीडियो को. वीडियो बना ली. वीडियो बना के मैं साइड पे हुआ तो मुझे आगे कहता है दुकानदार जिसे हम ले रहे थे, वो क्या आपने किस चीज़ की वीडियो बनाई है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कौन. मतलब वो समझा कि मैं पता नहीं क्या, आज उसकी दुकान पे छापा पड़वाने लगा शायद. तो फिर मैंने उसे बताया यार इस तरह मेरा व्लॉगिंग चैनल है. कहता है नहीं भाई देखें आप डिलीट कर दें इसको. मैं फिर डिलीट कर दी. मतलब लोग अभी भी कई दफ़ा घबरा जाते हैं. सो अब यार मॉडर्न एज है, ये मॉडर्न ज़माना है, तो इतनी चीज़ पर पैनिक तो होना बनता नहीं है. बट खैर उसने अगर इजाज़त नहीं दी तो हमने उसकी वीडियो फिर नहीं बनाई वहाँ. मतलब आप देखो आपकी दुकान की फ्री की एडवर्टाइजमेंट है एक तरह से. ये कल को आज नहीं तो कल ही व्लॉग्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर इसी तरह इंसान मेहनत जारी रखे अपनी. जिस तरह डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा मुझे पता है कि जब व्लॉग्स मेरे चल पड़ेंगे. तो फ्री की आपकी शॉप की एडवर्टाइजमेंट है, उस पर भी आप मना करें. वो भाई वही आपने बाहर पैसे दे के एडवर्टाइजमेंट करवानी है, यहाँ पे आपके फ्री हो जानी है. पता नहीं कौन कौन मेरे शहर से देखे और कौन कौन मेरा मोहल्लेदार देखकर फिर उस दुकान पे जाए. सो आप पूछ लिया करो कि क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या काम है आपका. अगर आपको समझ में आता तो आप उसको इजाज़त दो फ्री की एडवर्टाइजमेंट में, तो सब स्पेशली फ़ौरन इजाज़त दो, नहीं तो फिर आप पैसे दे के करवा सकते हो एडवर्टाइजमेंट. सो अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो फिर मैं नहीं बनाता. मैं इसी तरह करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले बनाता हूँ, अगर वो मना करते हैं तो मैं उसी टाइम डिलीट कर देता हूँ. अगर वो इजाज़त दे के रखे हैं, वो मुझे नहीं मना करते, तो फिर मैं उसको व्लॉग में डाल देता हूँ और उन्हीं का फ़ायदा होता है, हमारा तो होता ही होता है, उनका भी होता है साथ साथ. नाश्ता टाइम, और मुझे आज नाश्ते में आलू मिले हैं और दही मिला है और साथ रोटी मिली है, और ये भी मुझे बहुत पसंद है नाश्ते में. सुबह सुबह के नाश्ते में ये चीज़ होना बहुत अच्छी लगती है मुझे. सो नाश्ता तो मेरा हो गया, अब मैं चाय पीऊँगा और उसके बाद हम बाहर जाएंगे. सो फिलहाल पेट पूजा तो मेरी हो गई, अब काम दूजा करेंगे कि अब मैं अपने बाल ठीक करवाने जाऊँगा, कटिंग करवाने जाऊँगा, सेट करवाने जाऊँगा. सो चलिए चलते हैं. तो जी घर से निकल चुके हैं और दुकान की तरफ जा रहे हैं अब कटिंग वाली. इतना प्यारा लग रहा हूँ यार, मेरा तो खुद पे दिल आ गया है. आज तो मैं अपनी सदके चला जाऊँ. बहरहाल मुझे तो ये अच्छी लुक अच्छी लगी है अपनी. मोमिन भाई का शुक्रिया, और वो जो कटिंग कर रहे थे उनको वो तो अलग नहीं आ सके. इन दोनों का बहुत शुक्रिया, इन दोनों ने मेरी ये लुक निकाली है. आज नहाए धोए बगैर ही चंगा बच्चा बन गया हूँ मैं. सो फिलहाल अब मैं वापस जा रहा हूँ घर. सो फिलहाल घर पहुँच गया मैं, और गजनफर बताएगा कि उसको मेरी लुक कैसी लगी है. बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी लुक. हाँ यानी कि उसने 10 out of 10 दे दिए मुझे, है ना? हाँ जी. मैं भी करा लूँ. ठीक है, आप जब व्लॉगिंग करोगे ना बड़े होके, हम आपका भी तब बनवा लेंगे, ठीक है ना? ऐसे के सेम. ठीक है. सुबह ही मेरा एक दोस्त है कॉलेज का, जिसको जो कॉलेज में साथ ही रहते थे हम दोनों एक दूसरे के साथ, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है मेरा स्टाइल देख के. हाँ भाई आपका फोन करें, आप फोन नहीं उठा रहे यार. यार वो you know, काम बहुत होते हैं. अब आज तुम बहुत कहने लग रहे हैं. तो हेयर स्टाइल इज वेरी ब्यूटीफुल, फर्स्ट टाइम तुम्हारा हेयर स्टाइल देखा मैंने ऐसे. हेल्पिंग पुअर इज माय हॉबी, इसको मैंने अंदर बिठा लिया है. वरना इसको इसके घर वाले भी जगह नहीं देते. और अहमद भाई को मेरा हेयर स्टाइल पसंद आ गया है भाई, अपनी बात करो आप. इसको मेरा हेयर स्टाइल पसंद आ गया, बहुत कम होता है ये मेरी तारीफ करे. आज इसने मेरी तारीफ कर दी है, इसी बात में इसको 5 रुपए दूंगा अब.
सो फिलहाल अहमद भाई अब जा रहे हैं अपने घर जी। कासिम भाई का बहुत शुक्रिया, इससे मेरे को बहुत मज़ा आया, काफ़ी दिन बाद मेरी मुलाकात हुई इससे मेरी। सो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का कासिम भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। सो फिलहाल अहमद भाई चले गए हैं और अब हम धो के नहा के चंगे बच्चे बनेंगे। ये टावल है, सुबह का नहाने का टाइम ही नहीं मिल रहा आपके सामने, कभी इधर होता कभी उधर होता, कभी मेहमान आ जाते हैं। सो कोई नहीं, हो जाता है ऐसे, और मेहमानों को तो आना चाहिए, मेहमान तो मेहमान आना तो अच्छी बात है ना। सो अब नहाते हैं हम। सो फिलहाल धो के नहा के चंगे बच्चे बन गए हैं हम। सो फिलहाल जो मैं स्क्रीन लेके आया था कंप्यूटर की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो चलते चलते ब्लैंक हो जाती थी, उसमें रेनबोज से बन जाते थे। और फिर मैंने उस भाई को बताया तो मुझे कहता आप ये स्क्रीन वापस करके एक और स्क्रीन ले जाओ, बस उसमें डॉट्स हैं और कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल ओके है। उस स्क्रीन की जो मैं लेके आया था पीछे वाली यूएसबी वाली पोर्ट्स भी नहीं चल रही थी, उधर बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उधर एक दो मिनट चेक किया, घर ला कर ज़्यादा देर चलाया तो पता लगा इसमें तो बहुत इश्यूज़ हैं। फिर मैंने कहा यार आप इसे भी वापस कर लो, मैंने पैसे वापस ले लिए। और अब जिस बंदे से न्यू स्क्रीन लेनी थी, यानी कि फर्स्ट हैंड लेनी थी, बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो तब तक हम बार बार उसको फ़ोन नहीं करते, जब उसका मतलब उसको लगेगा कि अब उसके पास कोई अच्छी स्क्रीन आ गई है या उसका मूड होगा देने का तो वो फ़ोन कर लेगा हमें। तो तब तक मैं अपने दोस्त अहमद से उसकी स्क्रीन उधार मांगी है, तो अब मैं वो लेने जा रहा हूँ। ये मैं और हादी स्क्रीन ले आए हैं, तो आज के एडिटिंग का तो इंतज़ाम हो ही गया। सो फिलहाल डिनर तो मेरा हो गया, अब मैं चाय पीऊँगा, यानी कि मैं अपना फेवरेट काम करूँगा और साथ साथ मैं एडिटिंग करूँगा, और दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट काम है, दोनों ही करते हुए बहुत दिल लगता है। आई होप यू एंजॉयड माई व्लॉग, इफ़ यू डिड देन हिट द लाइक बटन, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच, टाटा।